रविंद्र मतलब ले रहे हैं और वीडियो ले रहे हैं, पहले सुनना ही था। बहुविधं गोमकूपेश्वरीक्षणं ईशारे सावकाशं निरपदविधारणं सद्व्यवस्थां रक्ता भक्ता विरक्ता विरसत सकले सत्कले निष्कले वा कुशला उत्कल वेदांतों से, संतों के अनुभव से, मनुष्यों के विचार से ये सर्वथा निश्चित किया हुआ है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का ही एक नाम आत्मा है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। उसी ज्ञान को जब वो संस्कार युक्त होता है या विषय युक्त होता है तब मन कहता है। मन नाम की दूसरी कोई चीज नहीं है, न मन में लंबाई चौड़ाई है। यहां से शास्त्री जी के पास गया मन और लौट के आया तो न गया न आया, जहां है वहीं से, जैसे कैमरा अपनी जगह से ही फोटो ले लेता है, वैसे हमारा ये ज्ञान ही सामने की वस्तु का फोटो लेता है और पुरानी देखी हुई वस्तुओं का संस्कार रखता है और भविष्य की कल्पना करता है। न मन की उम्र है, न मन में लंबाई चौड़ाई है और न तो मन का वजन है। कोई तौल दे एक छटाक, एक शेर, पांच शेर, एक मन, तो मन को तौला भी नहीं जा सकता। इसलिए मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। हम जो सुनते हैं, छूते हैं, देखते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, भूलते हैं, वही वही सकल सूरत मन की होती जाती है। मन कान में जाता है तो सुनता है, त्वचा में जाता है तो छूता है, आंख में आता है तो देखता है,
जीभ में आता है तो चखता है, नाक में आता है तो सूंघता है, पांव में जाता है चलता है, हाथ में आता है करता है, जीभ में आता है बोलता है। ये ज्ञान ही है, इसलिए न बाह्ये ना पिहले सद्रूपम विद्यते मनः। यदर्थ प्रतिभानं तन मन इत्ते धीयते। न तो मन शरीर के बाहर रहता है और न तो मन शरीर के भीतर रहता है। जब सुषुप्ति का भान होता है तो सो रहा है, सपने का भान हो रहा है तो सपना हो रहा है, मन ही स्वप्न बना हुआ है, और जब जागृत का भान हो रहा है तो मन ही जागृत बना हुआ है। इसलिए हम लोग मन को जो बहुत महत्व दे देते हैं वो हमारे लिए स्वयं एक बोझ बन जाता है। मन तो हमारा खिलौना है, इसके साथ हंसो खेलो बोलो, जीवन मुक्ति यात्रा की समाप्ति नहीं है, जीवन मुक्ति तो यात्रा का आनंद है। ये जो जीवन यात्रा चल रही है पिठलाते हुए चलो, चाहे शांति से चलो, प्यार से देखो चाहे शांति से देखो, प्यार से बोलो चाहे शांति से बोलो। ये तो मन को हम जैसी स्थिति से या जैसी वस्तु से या जैसी व्यक्ति से जोड़ देते हैं, शीशे की तरह है, उसको अपने भीतर ले लेता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा शीशे में जो हमारी परछाई पड़ती है उससे शीशे का वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि जब हम घुस गए शीशे में तो शीशे का वजन बढ़ना चाहिए, परंतु शीशे का वजन नहीं बढ़ता है। शीशे में जो परछाई होती है उसमें लंबाई चौड़ाई दिखती तो है परंतु होती नहीं है। शीशे में हमारी परछाई घुसी नहीं है, शीशे में उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, शीशे में वो पैदा नहीं हुआ है, शीशे में उसकी कोई उम्र नहीं है, सिर्फ देखने को आता है। इसी प्रकार एक निर्मल शीशा, निर्मल दर्पण के समान हमारा मन है, इसमें ईश्वर के दर्शन की भी योग्यता है और निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु के दर्शन की भी योग्यता है। यही गुरु को देखता है, यही ईश्वर को देखता है, यही शास्त्र को देखता है, यही पूर्व जन्म और उत्तर जन्म की कल्पना करता है। कैसी बढ़िया कल्पना होती है। मैंने कहीं पढ़ा था कहानी के रूप में, एक अफ्रीका का कोई व्यक्ति लंदन गया तो वहां तो शीशा का आविष्कार हो चुका था, परंतु अफ्रीका में शीशा नहीं था। उसने अफ्रीका में एक शीशा खरीद कर अपने पास रख लिया, अपनी सकल सूरत देखता था। जब लौट के वो अफ्रीका आया
उसकी पत्नी ने उसका सब सामान देखा, शीशा उठा के देखा तो उसमें एक स्त्री उसको दिखाई पड़ी। उसने सोचा कि वो हो हमारा पति तो किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करता है और ये उसका चित्र लेकर के आया है। वो अनमनी रहने लगी, रूठ गई, अपने पिता के घर चली गई। अब पिता के मन में शंका हुई, आखिर हमारी पुत्री अपने पति से प्रेम क्यों नहीं करती है। उसने भी चुपके से एक दिन उसका सामान देखा तो उसमें शीशा मिला, वही लेके आई थी दिखाने के लिए। और उसने कहा हो हमारी पुत्री तो किसी बुढ़े आदमी से प्रेम करती है, इसी से अपने पति से लड़ती है। उसने वो शीशा उठा लिया और अपने सामान में रख लिया। अब उसकी पत्नी ने देखा, कह रहे ये हमारा बुड्ढा जो है ये कहीं और फंसा है। घर में लड़ाई लड़ाई छिड़ गई। जब वो लंदन से आया हुआ व्यक्ति अपने ससुराल आया और उसको सब झगड़े का कारण मालूम हुआ तो उसने बताया कि ये शीशा तो ऐसा है कि जो अपने सामने रखेगा वही इसमें दिखेगा, और सबको दिखा दिया। तो ये जो हम मन से बहुत डरते हैं और बहुत झगड़ते हैं और बहुत महत्वपूर्ण इसको समझते हैं, ऐसा कुछ इस मन में नहीं है। तो आपको कनपटा बनना हो तो ठीक है, किसी योगी के चेले बन जाइए, ईसाई बनना हो तो बपतिस्मा करा लीजिए, मुसलमान बनना हो तो खतना करा लीजिए, लेकिन मन तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके कारण हम दुखी रहें। कुंभ का मेला लगा, उसमें एक सेठ जी गए, खूब दान कर रहे थे स्वप्न में। लोग आके प्रशंसा करते थे, ओहो सेठ जी पूर्व जन्म के बड़े धर्मात्मा हैं, सब देखो इतनी संपदा इनको मिली है, दान कर रहे हैं, अब तो पता नहीं अगले जन्म में इनको कौन सी संपत्ति मिलेगी। देखो 60 वर्ष की तो इनकी उम्र है, 35 वर्ष का इनका बेटा है, 5 वर्ष का उसके भी बेटा है, बहुएं हैं, बेटियां हैं, क्या आनंद में रहते हैं सेठ जी। लोगों ने बहुत बहुत उनकी प्रशंसा की। सपना टूट गया। अब उस 60 वर्ष के सेठ जी, पूर्व जन्म के पुण्य आत्मा, 35 वर्ष का बेटा, 5 वर्ष का पौत्र, और अगले जन्म में उनका स्वर्ग पुनर्जन्म, वो सब सपना टूटने के साथ ही टूट गया। तो हम जो अपने मन में सपने देखते हैं, कुछ भूत के और कुछ भविष्य के, ऐसी ऐसी कड़ी जोड़ लेते हैं जिनका कहीं कोई मूल नहीं है। दृश्यमाना इमे भावा परस्परम असंगिना, कार्य कारणता नास्ति भावनैतेषु श्रृंखला। जितने भी भाव पदार्थ दिख रहे हैं इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। इनमें कार्य कारण भाव भी नहीं है,
केवल हम अपने मन से भाव से ही इनमें संबंध जोड़ लेते हैं और इनके लिए दुखी होते हैं। ये बात मैं जानबूझ के इसलिए बोल रहा कि जो मैं उत्तर देता हूं ना या बात करता हूं, इसकी पुस्तकें छपती हैं, तो कभी किसी के हाथ में जाती हैं, कभी किसी के हाथ में जाती हैं, तो थोड़ी सी मूलभूत जो चर्चा है वो कर देनी चाहिए। आप सच माने जैसे आपका हाथ है, आप इसको कंधे पर रख लें, चाहे सिर पर रख लें, चाहे पांव पर रख लें, ये आपका नौकर है। कर शब्द का अर्थ नौकर ही होता है, नौकर, नौकर ये हाथ नहीं है, माने हाथ जैसा काम करता है, इसलिए नौकर को नौकर कहते हैं। तो ये हाथ जो है ये आपका नौकर है, आप आज्ञा दे तो बैठे, आज्ञा दे तो खड़ा हो, आज्ञा दे तो काम करें। आप अपने मन को बिल्कुल ऐसे ही समझिए, जब जहां इसको चाहें वहां जोड़ सकते हैं, जब जहां चाहें इसको शांत कर सकते हैं, चाहे तो इसमें राम कृष्ण का दर्शन कीजिए, चाहे समाधि देखिए, चाहे अपने स्वरूप का अनुभव कीजिए। ये मन कोई इतनी बड़ी वस्तु नहीं है जो आपको दुख दे सकता हो। आपको दुखी बनाने की क्षमता मन में नहीं है। जब आप स्वयं दुखी होना चाहते हैं और बदकिस्मती ऐसी कि दुख होने के अनेक कारण बना लेते हैं, तभी दुखी होते हैं। मन बिल्कुल अपनी वस्तु है, अपना आत्मा है, आत्मीय है, और नहीं तो अपनी जाति का है, और नहीं तो अपना धन है, आत्मा है, आत्मीय है, जाति है, धन है। इस मन को इतना बलवान आप मत मानिए कि आपको दुख देने लग जाए। ये जीवन यात्रा को जीवन मुक्ति, पग पग पर जीवन मुक्ति, आप चलिए स्वर में, ताल पर आपके पांव की गति पड़े, आप देखिए आपके पांव में ठुमरी है, दादरा है, आशावरी है, घनाश्री है, छह राग 36 रागिनी आपके पांव के विन्यास में चलती है, 84 प्रकार की नृत्य मुद्रा आपके हाथों में और आपकी आंखों में है। दक्षिण भारत में एक मंदिर है चिदंबरम, वहां मुख्य द्वार पर ही एक स्त्री की 84 मूर्तियां बनी हुई हैं, और 84 मूर्तियों में 84 प्रकार की मुद्रा है और जूड़ा भी 84 प्रकार का है। लोग वहां देखने के लिए जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं। हमारा जूड़े से और मुद्रा से कोई मतलब नहीं है, कि आपके मन की जो मुद्राएं हैं ये भी जैसे नृत्य में सुख दुख की मुद्रा होती हैं, बिल्कुल वैसी ही हैं। आप चाहे अपनी आंख से रो लीजिए, हंस लीजिए, मांग लीजिए, दीनता प्रकट कर लीजिए,
श्री शारदा तनय का एक ग्रंथ है भाव प्रकाशनम, मन हम अपने भाव को आंखों के द्वारा कैसे प्रकाशित करते हैं, तो उसमें 23 मुद्रा नेत्रों की बताई है, ललित चलित वलित स्खलित जाचित, इस तरह से आप कैसे कोने से देखने पर क्या है, बीच से देखने पर क्या है, आप देखते होंगे भरतनाट्यम, आंख भी बोलती है। तो जैसे हम नेत्र से नृत्य करते हैं, पांव से नृत्य करते हैं, हाथ से नृत्य करते हैं, वैसे मन भी हमारा हमारे जीवन के एक कलापूर्ण वस्तु है और उसके द्वारा हम अपने जीवन को बहुत ही सुखी रख सकते हैं। नाचते रहिए, गाते रहिए, बजाते रहिए। एक नाट्यशाला में नारायण अभिनय करते रहिए, ये बहुत बड़ी नाट्यशाला आपको मिली है, तरह तरह के इसमें पात्र हैं, और ये सब जितना क्रियाकलाप है ये कोई बोझ नहीं है, कोई भारी चीज नहीं है, ये मात्र एकमात्र अभिनय है, अभिनय मात्र है, इसमें कुछ भी ध्यान देने की गंभीरता की बात नहीं है। आप जहां जाएं वहां का वातावरण मधुमय हो जाए, रसमय हो जाए, अमृतमय हो जाए, लास्यमय हो जाए, चिर सुंदर हो जाए, चिर नूतन हो जाए वहां का वातावरण, आपके मन की उपस्थिति से ही सब कुछ मंगलमय हो जाता है। अब थोड़ी सी बात दूसरे नंबर की बोलते हैं, दूसरे नंबर का रुपया नहीं हो, ये मन में 3 रूप आते हैं, एक तो बाहर की परिस्थिति, जैसे रात हुई, दिन हुआ, आंधी चली, वर्षा हुई, घाम हुआ, तो ये जो बाहर की परिस्थितियां हैं वे आपके वश में नहीं है, बदलती रहती है, किसी का पैदा होना, किसी का मरना, किसी का आना, किसी का जाना, ये आपके वश में नहीं है, ये समष्टि में हो रहा है, और जो हो रहा है उसका यदि आप अनुमोदन करते जाएं, स्वीकार करते जाएं, तो ये कहना होगा कि आपका चित्त निर्वासन हो गया है, वासना रहित है, आप निष्काम है, केवल इतना ही कि आप जो हो रहा है, जो किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उसमें प्रकृति का हाथ देखिए, नास्तिक है तो भी आपको आनंद आवेगा, यदि आप आस्तिक हैं तो उसमें ईश्वर का हाथ देखिए तब भी आपको आनंद आवेगा, यदि आप सोशलिस्ट हैं तो आप उसमें समाज का हाथ देखिए उसमें भी आपको आनंद आवेगा। ये जो जीवन का सुखी होना है वो अपना ही दृष्टिकोण है, कोई किसी को सुखी नहीं करता, कोई दुखी नहीं करता, ये तो संसार ऐसे ही परिवर्तन, ये परिवर्तन नहीं है, ये नर्तन है, नृत्य है एक प्रकार का, और इसमें विविध मुद्राएं देखने को मिलती हैं, ये तो एक ही कलाकृति ऐसी है
परमेश्वर की कि देख के आनंद लो। तो बाहर का निमित्त तो ज्यों का चलता है त्यों चलता है, इसमें अपने को सुखी दुखी करने का कोई कारण नहीं है। यदि आप सावधान हैं तो सर्वदा शांत रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मनोवृत्ति बदल जाती है, दुखाकार हो जाती है, कोई बिछुड़ता है कोई जुड़ता है, कोई मरता है कोई जीता है, कोई जवान होता है कोई बुढ़ा होता है, कोई रोगी होता है कोई आराम से रहता है। ये दुनिया में ऐसा हमेशा से होता आया है, अब भी होता है और आगे भी होता रहेगा। ये किसी के रोके न रुका है और न तो आगे रुकेगा। चाहे कोटि कोटि विज्ञान के नवीन नवीन आविष्कार हो जाए, परंतु ये जो सृष्टि का परिवर्तन है इसको रोकने वाला कोई भी आविष्कार नहीं हो सकता कि इसको एक क्षण भी स्थिर कर दे। ऐसी अवस्था में जब हम इसको स्थिर करने का प्रयास करते हैं तो निष्फल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, हमारा श्रम सफल नहीं होता। और जब सफल नहीं होता तब हमारे मन में दुख आता है कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं होता। तो बिना आवश्यकता के तो परिश्रम करते हैं और अपने मन का न होने पर दुखी होते हैं और दूसरे के मन का होने पर भी दुखी होते हैं। और ये जो बारंबार दुखी सुखी होते हैं इससे शरीर की जो धातुएं हैं वो गड़बड़ा जाते हैं और उससे रोग आने लगते हैं। सहज जीवन न व्यतीत करने के कारण शरीर में रोग बहुत आते हैं, श्रमात, अनिष्ट संस्पर्शात, दोषात, इष्ट विवर्जनात, चतुर्विध कारणई रोगाः प्रवर्तन्ते शरीरिषु। तो नारायण, ये जब हमारे मन का कुछ नहीं होता है तब हमारा मन दुखाकार हो जाता है और वो कल्पना करने लगता है कि ये दुख है ये दुख है। कुछ सुने हुए दुख होते हैं, कुछ देखे हुए दुख होते हैं, कुछ लोगों ने दुख की प्रतीति करा दी है। और कोई भूसा कोई तान दे तो दुख, परंतु अपना मित्र हो तो बड़ा प्रेम लगेगा। कोई हाथ जोड़ ले तो बड़ा विनय मालूम पड़ेगा, लेकिन यदि कोई अपना दुश्मन हाथ जोड़े कि बाबा मैं हाथ जोड़ता हूं तो अपमान मालूम पड़ेगा। तो ये चीजें हमारे मन में बैठा दी गई हैं। बंबई में देखा मैंने, चौराहे पर मोटर खड़ी थी, कोई पुलिस का अफसर वहां से निकला तो पुलिस का जो सिपाही था उसने न सिर झुकाया न हाथ जोड़ा न सलाम किया, प्रणाम भी नहीं किया, अपना पांव जो है वो खट से पटक दिया धरती पर। और अफसर खुश हो गया क्योंकि यही शिष्टाचार है कि अपने अफसर को देख करके वो पांव पटक के ही उसका आदर करता है। तो ये सब बातें हमारे दिमाग में बैठा दी गई हैं कि ऐसा करने से सम्मान होता है, ऐसा करने से अपमान होता है। एक बार की बात है, हम लोग मोटर से चल रहे थे, स्वामी प्रेमपुरी जी थे, मैं था, मेरे साथ कोई और भी होंगे एक दो। पीछे से टैक्सी आई और सड़क पर जो पानी था उसको उछाल दिया उसने, जानबूझ के नहीं उछाला, उछल गया होगा। वो हमारी मोटर में आया और हम लोगों के कपड़े तो भीगे, मुंह में भी पड़ गए। तो हमारा जो ड्राइवर था वो बहुत रुष्ट हुआ कि इसको हम आगे बढ़ा के मोटर हम मजा चखाते हैं इसको। प्रेमपुरी जी महाराज ने कहा कि अरे भाई, ठाकुर जी के चरणामृत को जीवन में कितनी बार लिए थे, आज तो मोटर का चरणामृत मिल गया,
एक नई घटना घटित हो गई। तो आप दुख को सुख बनाने की जो कला है उसको सीखिए। विपरीत से विपरीत, उल्टी से उल्टी परिस्थिति में, वातावरण में आप अपनी मानसिक कला के द्वारा उसको सुख बना सकते हैं। तो निमित्त तो सब के सब, वजह जो है वो तो दुनिया में ज्यों के त्यों रहेंगे, और आपके मन में जैसा सिखाया गया है, जैसा संस्कार है, जैसा देखा सुना है, उसके कारण क्षण भर के लिए दुखाकार वृत्ति भी आ सकती है, परंतु वो सपने की तरह आती है। इसमें दो बात की सावधानी रखने की आवश्यकता है। एक तो यदि मन में कोई गंदी बात आती है, दूसरे को हानि पहुंचाने वाली बात आती है, या विचार करने से अपनी ही हानि करने वाली बात आती है, तो मन में कोई बात आ गई तो आ गई, उसको क्रिया रूप में परिणत मत होने दीजिए, वैसा काम मत कीजिए। स्त्री को देखकर पुरुष के मन में विकार आता है, स्त्री के मन में पुरुष को देखकर विकार आता है, आ गया। कोई बहुत कीमती चीज देख करके मन में लालच आती है, आ गई। किसी को बुरा काम करते देखकर क्रोध आ गया, कहां आ गया। इनका आ जाना कठिन नहीं है, इनके आ जाने के बाद जो हमारे जीवन में सावधानी रहनी चाहिए उस पर दृष्टि रहे। आप क्रोध आने पर किसी का अपमान मत कीजिए, गाली मत दीजिए, उसका कोई अनिष्ट पहुंचाना नहीं आ गया अपने जीवन में। काम आने पर भोग की क्रिया न हो, लोभ आने पर चोरी बेईमानी न हो, माने मन में कोई सपने की तरह बुरी से बुरी बात चमक जाए, आ जाए, कालिमा फैल जाए, गंदा कर दे, तो भी वो सपने की तरह क्षण भर ही रहनी चाहिए, उसके अनुसार क्रिया नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसको अपने साथ जोड़ना नहीं चाहिए, बुद्धि से समर्थन नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने मन में आई हुई बुरी बात को, जिसको आप बुरी समझते हैं, उसके अनुसार काम नहीं करेंगे और बुद्धि से उसको भला नहीं समझेंगे, उसको समर्थन नहीं देंगे, तो वो जो आपके मन में बुराई आई है वो स्वप्न के समान ही है, क्योंकि स्वप्न के अनुसार भी आप क्रिया नहीं करते हैं और स्वप्न को महत्व नहीं देते हैं, सच नहीं देते हैं, तो उसका कोई भी फल, स्वप्न के पाप छोड़ने का कोई फल नहीं है। और आपके मन में ऐसे चमकती हुई आती जाती हुई बातों का भी कोई फल नहीं है। आप केवल वैसा कीजिए मत, और उसको अपने साथ जोड़ के रखिए मत। ये मन आपका नौकर है, आत्मीय है, आपसे ही इसको जीवन मिलता है। खाना पीना पहनना जैसे नौकर को देते हैं, आवास स्थान आपने ही इसको आवास स्थान दिया है, इसको भोजन दिया है, कपड़ा दिया है, सजाया है, श्रृंगार किया है, आपको इसको आपने इसको ऊंचा पद दिया है, ओहदा दिया है, ये आपका बनाया हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिए, ये आपको परेशान नहीं करेगा। हमारे एक मित्र थे,
चुनार में रहते थे उन दिनों में, बनारस मिर्जापुर के बीच में चुनार नाम की एक जगह है, चरणाद्री बोलते हैं संस्कृत में उसको। तो मैं उनके पास कभी कभी जाया करता था। हमारे गृहस्थाश्रम के शिष्य थे, वैसे तो हमसे बहुत बड़ी उम्र के थे। मैंने देखा कि वो हम कभी कोई बात बतावे उनको तो न माने, लेकिन वही बात यदि उनका नौकर कह दे तो वो मान लेते थे। और बड़ी बड़ी बात होती थी उनके साथ, तो ऊंचे ओहदे पर थे, उनका बड़ा भारी एरिया था। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि आप नौकर से डरते लगते हैं, वो जो कहता है वो कर देते हैं, पक्षपात भी कर लेते हैं, बेईमानी भी कर लेते हैं, निर्दयता भी कर लेते हैं, आप अपने नौकर की इतनी बात क्यों मानते हैं? तो उन्होंने बताया कि बाबा जी, हमारी जन्म नाम हमारा बाबा जी ही है, तो बाबा जी ये जो नौकर है इसी से मैं शराब मंगाकर पीता हूँ और इसी के द्वारा रिश्वत लेता हूँ घूस, और इसी के द्वारा मैं परस्त्री बुलाता हूँ। ये हमारी सारी कोट पट्टी जानता है, अगर मैं इसको खुश नहीं रखूंगा तो ये तो चाहे तो मिनटों में ही हमको जेल खाने भिजवा दे। हमने किससे किससे कितनी रिश्वत लेके कितना घूस लेके किसका क्या काम किया है ये सब इसको मालूम है। अब आप जरा अपने नौकर की ओर देखिए, आप जब अपने मन से बुरा काम लेने लगेंगे तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, छा जाएगा, आपको वो अपने अधीन कर लेगा और आप मन के मालिक नहीं रहेंगे, मन के नौकर हो जाएंगे। तब वो आपको चाहे जहां ले जाएगा, चाहे जहां जो करा लेगा, आप पराधीन हो जाएंगे बिल्कुल। अधिकांश लोग अपने मन की गुलामी में लगे हुए हैं। मन होना चाहिए हमारा गुलाम और हम हो गए हैं मन के गुलाम। ये बात आपने गौर से पढ़ी होगी, गीता में तो पढ़ी होगी, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम भसी। आपकी बुद्धि को हर लिया रावण ने, सीता को हरा रावण ने, और आपकी बुद्धि को हर लिया इस आपके असुर मन ने। और मन भी हो किसके पीछे चलता है आप देखो, आपके गांव में क्या कोई सत्पुरुष नहीं है? यह संतो न वासन्ति सतोवा नानुवर्तसे यथैवं विपरीताते बुद्धि आचार वर्जिता। आपके गांव में कोई सत्पुरुष नहीं है? नहीं जी, हमारे गांव में सत्पुरुष तो बहुत हैं, हैं बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप उनके कहे अनुसार किए अनुसार चलते क्यों नहीं है? सो तो नहीं बनता महाराज। तो बस यही कारण है कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो विपरीत हो गई है और आचार रहित हो गई है। ये झूठ मूठ का ढोंग करते हैं लोग,
कि दुष्टों के संग में तो रहते हैं और हमारे अंदर दुष्टता नहीं आ रही है, एक ढोंगी जीवन का ये लक्षण है। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। देखो, स्त्री पुरुष के संग से मन में आकर्षण, काम की वृत्ति आती है। जुआरियों के संग से जुआ खेलने का मन में आता है। डाकू गुंडों के संग से मारपीट करने का मन में आता है। इसलिए बड़ी सावधानी से अपने जीवन को मार्ग पर ले चलने की आवश्यकता है। तो आप मार्ग क्या है ये भी आप देख लो। आपके जीवन में कुछ भी योग्यता यदि हो, और योग्यता तो है ही, बहुत है, ऐसा बढ़िया हाथ मिला है, ऐसा बढ़िया पांव मिला है, जीभ है, आंख है, दिल है, दिमाग है, आप इसके द्वारा अपना भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। तो आप अपने इस मन को भले लोगों के संग में रखिए, भला काम कीजिए, भला काम सीखिए, भले ढंग से इसको चलाइए। जिससे दूसरे का अहित होता हो ऐसा काम तो कभी करना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर मैं दोबारा आपको सुना देता हूं, संसार तो अपने ढंग से चलता है। इसमें बिजली भी गिरती है, मौत भी होती है, आंधी भी आती है, वर्षा भी होती है, बाढ़ भी आती है, लेकिन इसमें हमारे मन को दुख दबा न दे। हमारा मन उज्जवल, निर्मल, स्वतंत्र बना रहे, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और दूसरे, मैं दुखी हूं यह अभिमान नहीं होना चाहिए। दुख के निमित्त आवे तो आवे, क्षण भर के लिए दुख का सपना आ जाए तो आ जाए, लेकिन मैं दुखी हूं इस प्रकार का अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सावधान हो जाना चाहिए। संबंधे सावधानता, किसी भी चीज को अपनी माननी हो तो जरा ठहर के एक बार देख लो कि इस वस्तु को अपनी मानने से हमको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। और दुनिया की किसी वस्तु को अपनी मानोगे तो एक न एक दिन प्रियम त्वाम रोप्यति, वो तुम्हें अवश्य रुलावेगी, क्योंकि वो छूटेगी तो जरूर, और छूटेगी तो रोना पड़ेगा। इसलिए कोई भी वस्तु मेरी है या मैं किसी का हूं, ये बहुत सावधानी से अपने मन में बैठने देने की चीज है। अपना है कोई तो भगवान है। पहली बात तो यह है कि अपना आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ये न किसी का मेरा है, न इसका कोई मेरा है। और यदि है तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। आप अपनी इंद्रियों पर विश्वास मत कीजिए, भगवान के प्रति अर्पित कीजिए। आप अपने मन पर भी विश्वास मत कीजिए, उसको भगवान में लगाइए। प्रपंचाशक्ति को छोड़कर श्री कृष्णा शक्ति उत्पन्न किए बिना इस जीव का कभी मंगल, कभी कल्याण नहीं हो सकता, और कभी ये सुखी नहीं हो सकता। इसलिए यदि अपने को सुखी रखना है तो आप अपने को भगवान के मार्ग में ले चलिए। भगवान के मार्ग में चलने के लिए वैसे तो लोग ध्यान की बात बहुत करते हैं, परंतु ये आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान भी बहुत कठिन है, और
चित्त वृत्ति की स्थिरता ध्यान भी बहुत कठिन है। हमें अपने मन को जोड़ने के लिए पहले छोटी से छोटी बात जीवन में अंगीकार करनी चाहिए। वे लोग शब्द तो मेरे मन में जरा कड़ा आया था, वे लोग मूर्ख हैं और रास्ता भूले हुए हैं। जो चाहते हैं कि दुनिया में जो सबसे उत्तम वस्तु साधन हो वो हमको मिले, वो तो ऐसा ही है, सबसे बढ़िया हीरा हमको मिल जाए या सबसे बढ़िया लड़की से ब्याह हमारे हो जाए या हमारा मकान सबसे बढ़िया रहे। साधन के बारे में ऐसा सोचना बहुत बड़ी भूल है। हमें तो छोटे से छोटा साधन शुरू करना चाहिए जिसको हम ठीक से कर सकें। छत पर उछल के जाने की कोशिश करेंगे गिर पड़ेंगे, ज्ञान में स्थिति नहीं होगी, ध्यान में स्थिति नहीं होगी, ज्ञान में अनुभव नहीं होगा, ध्यान में स्थिति नहीं होगी। और अभिमान करने लगेंगे कि मैं तो शिवोहम हूं और मैं तो सोहम हूं और मुझे तो ज्ञान हो गया है, तत्व ज्ञान हो गया है, चाहे जो कुछ करूं चाहे जैसे रहूं, ये पतन का मार्ग है। मैं बात कड़ी बोल रहा हूं लेकिन आप इस पर ध्यान देना। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी क्रम क्रम से चढ़ोगे तो चढ़ने का गिरने का खतरा नहीं रहेगा। और एकाएक ही आके पूछा, महाराज जो सबसे उत्तम साधन हो वही हमको बता दीजिए। अरे भाई बता तो देंगे पर वो तुमसे होगा नहीं। एक सज्जन थे, वो किसी वैद्य जी की दुकान में गए, उनसे उन्होंने निवेदन किया कि आपके पास औषधालय में, चिकित्सालय में जो सबसे बढ़िया औषधि हो वो हमको दे दीजिए। वैद्य जी बोले कि हमारे औषधालय में तो एक से बढ़कर एक, ये देखो ये शेखर है, ये रसेंद्र है, ये पारासोधा हुआ है, ये चंद्रोदय है, ये मकरध्वज है, ये रस सिंदूर है, बड़ी बड़ी औषधियां हमारे पास हमारे हाथ की बनाई हुई रखी हुई हैं, तो तुमको कौन सी औषधि चाहिए? महाराज जो सर्वोत्तम है सो दे दीजिए। वैद्य ने कहा, बाबा हमारे पास तो सब सर्वोत्तम है। तब कि तुम अपना रोग बताओ कि तुमको दमा है, कि तुमको टीबी है, कि तुमको खांसी है, कि तुमको ज्वर है। जैसा तुमको रोग होगा उस रोग के अनुसार जो सबसे बढ़िया औषधि होगी वो तुम्हें काम आवेगी। हमारे दुकान के सबसे बढ़िया औषधि तो महाराज साइड इफेक्ट कर दे। तो एक दिन हमको किसी ने वो कौन सा रस होता है खिला दिया था, नहीं जुकाम होने पर, नहीं नहीं लक्ष्मी निवास बहुत अच्छा, तो वो उसका नहीं होता, वो भस्म करने वाला जुकाम को तुरंत जला देने वाली कोई दवा है, नाम इस समय भूल गया। उसने ला के दे दिया गौरी शंकर खन्ना ने, मैंने खाया, उसी समय छींक पर छींक और पानी पर पानी आना शुरू हो गया और गले में छाती में जलन पैदा हो गई। तो वो वही औषधि बहुत बढ़िया है परंतु उस प्रकार के रोगी के लिए। तो ये जो साधन है ऐसा नहीं है कि सब अहम ब्रह्मास्मि करके और छाती सीधी कर लें और सिर तान दें का हम तो हो गए ब्रह्म, ऐसा नहीं है। हाँ सिर सीधा करके बैठ गए बोले लग गई समाधि, लग गया ध्यान, का ऐसा नहीं है। मनुष्य जहां रह रहा है वहां से उसका साधन आरंभ होना चाहिए। यस्याम भूमौ निपतितः ताम आलम्ब्य विमुच्यते, जिस गड्ढे में आदमी गिरा हुआ है उसी का सहारा लेकर के ऊपर उठता है। आपके मन में काम है, आपके मन में क्रोध है, आपके मन में लोभ है, आपके मन में मोह है,
आपके मन में पक्षपात है, आपके मन में वासनाएं हैं, आपका मन विचलित रहता है, आपका मन चंचल होता है, आपके ऊपर बाहर का दर्शन बहुत जल्दी प्रभाव डाल देता है, इसके लिए आपको आरंभ से इसके लिए साधन करना चाहिए। और सबसे बढ़िया सुगम साधन सबके लिए, जिसमें अधिकारी की आवश्यकता नहीं, भगवान के नाम का जप है। नारायण, आप ये मत कहिए कि जप करते करते बहुत दिन हो गए, कुछ आगे तो बढ़े नहीं। आगे बस यही आगे नहीं बढ़े कि आप जप को बड़ा साधन नहीं मानते हैं। सर्वोत्तम साधन और सबके लिए शुद्ध दशा में अशुद्ध दशा में चलते फिरते नहाते धोते खाते पीते और नारायण कुछ भी करते हुए भगवान का नाम लिया जा सकता है। और ये इतना सरल है कि छोटा बच्चा भी राम 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 नहीं करेगा तो राम राम कर लेगा, लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण कर सकता है। सर्वोत्तम साधन है। और ये तो जो करने वाले लोग हैं उनके लिए इतना इतना मधुर है, इतना आनंदप्रद है। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि हमने कितनी बार अंगूर खाए हैं, मृद्विका रसिता, मृद्विका माने अंगूर, मैंने कई बार अंगूर खाए हैं, रसिता सीता समसिता, मैंने मिश्री भी कई बार खाई है, शीतं च पीतं पयः, बहुत मधुर मधुर दूध भी मैंने कई बार पिया है और स्वर्ग में जा करके मैंने कई बार वहां के भोग भी भोगे हैं, अमृत भी पिए हैं, लेकिन मेरे प्यारे जीव सत्यम ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे ब्राह्म्यता कृष्णे इत्यक्षरयो रयम मधुरिमोद्गारहा वचिल लक्षिता। मेरे प्यारे जीव बताओ तो सही, भगवान के जान नाम में जो मधुरिमा है, जो मिठास है, वो क्या कहीं तुमको मिली है। जब हम विष्णु दिगंबर के स्वर में सुनने लगते हैं, मैंने राम रतन धन पायो, क्या आनंद जैसे कोई कानों में अमृत उड़ेल रहा हो। ये जो लोग राम नाम का अभ्यास करते हैं, दोहराते हैं, रस लेते हैं, कृष्ण कृष्ण कहो, शिव शिव कहो, राम राम कहो, उनको थोड़े दिनों के बाद उसमें इतना रस आ जाता है कि फिर ऐसा चस्का लग जाता है कि उसको छोड़ नहीं सकते हैं। एक पंडित जी रहते हैं श्री गिरिराज जी में, 37 में आए थे श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास कि हमको आप अपना शिष्य बना लीजिए। बाबा ने कहा कि तुम जाओ एक वर्ष तक गिरिराज की परिक्रमा रोज करो, एक परिक्रमा रोज, और राधे श्याम करते रहना। 37 की बात है, अभी वे हैं पंडित जी। एक वर्ष के बाद आना हमारे पास तो हम तुम्हें दीक्षा देंगे, मंत्र देंगे। एक वर्ष तक भगवान का नाम लेते रहे, ऐसा रस आया, ऐसा मजा आया उनको कि वो फिर उड़िया बाबा जी के पास लौट कर नहीं आए। तो बाबा ही घूमते फिरते गोवर्धन में पहुंच गए, तो कहो पंडित जी दीक्षा लोगे? वो बोले महाराज दीक्षा तो हमारी बस उसी दिन हो गई, अब न हमें कोई साधन करना है और न तो कोई दीक्षा लेनी है, राधे श्याम करते हैं, गिरिराज की परिक्रमा करते हैं और ब्रजवासियों के घर से रोटी दाल लेके खा लेते हैं, अब हमको किसी और साधन की जरूरत नहीं है। ये जब आदमी अपने साधन को छोटा समझता है तब उसको अपमान करता है, उसका साधन का अपमान करता है, और जब बड़ा साधन और इससे बड़ा साधन कोई साधन तुम्हारे जीवन में नहीं टिकेगा, यदि साधन में ही बड़े छोटे का भेद करोगे।
असल में ये जितने भी साधन होते हैं अपने स्वरूप में बैठने के लिए होते हैं, निष्ठा के लिए होते हैं। आप आज से ही अपना जीवन ऐसा बनावें, ऐसा बनावें कि सोच लें कि मृत्यु पर्यंत जब तक ये जीवन रहेगा तब तक हम इसको करते रहेंगे कि नहीं। यदि पहले से ही ब्याह के दिन ही छोड़ लें, सोच लें कि इसको तो तलाक देना है, कह रहे हैं ब्याह के पहले ही तलाक का पत्र लिख के रख लें कि एक दिन इसको छोड़ना है और फिर ब्याह करें, तो उस ब्याह में मजा कहाँ है। मजा तो साधन का तब होता है जब उसके बारे में ये सोचते हैं कि इस जन्म में भी और आगे अगर जन्म हो तो उस जन्म में भी, जन्म जन्म हम अब यही भगवान का नाम लेंगे, अब इसी रूप का ध्यान करेंगे, अब इसी मंत्र का जप करेंगे, अब यही इष्ट देव हमारा होगा। आपके जीवन में जब निष्ठा आवेगी तब आप अपने स्वरूप में शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, बैठ जाएंगे और ईश्वर वहीं मिल जाएगा। क्योंकि ईश्वर को ढूंढने के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो अपने घर में बैठे हुए ईश्वर का तिरस्कार करते हैं, अपने गुरु का तिरस्कार करते हैं, अपने मंत्र का तिरस्कार करते हैं, अपने आत्मा का तिरस्कार करते हैं। जो कुछ भी है, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, भगवान, शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, समाधि और ब्रह्मलोक, गोलोक, साकेत लोक, वो सब अपना हृदय, अपने हृदय में है। और जिसने अपने हृदय में शांति से बैठने का अभ्यास कर लिया उसको सब कुछ मिल गया। आपको अनमिला तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ मिलना है पाना है सो आप ही हैं, आप ही पाने वाले हैं और आप ही पाए जाते हैं। आपन खेल आप कर देखे, आप खेल सकोचे तब नानक एक है। तो नारायण कीता न जाए थाप्या न जाए, कीता न होए थाप्या न जाए, ये बनाने से नहीं बनता है, ये करने से नहीं होता है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती। सबसे बड़ा जो सत्य है, परमार्थ है, यथार्थ है, जो सबसे बड़ा सुख है, आनंद है, रस है, अमृत है, नारायण वो मधु है, वो सब का सब आपके जीवन में है, आपके हृदय में है। आपके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, आप चाहें तो एक क्षण में परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। वो तो मिला मिलाया है, वो उसमें कुछ कहीं जाना आना नहीं है, कहीं छोड़ना पाना नहीं है। नारायण वो तो आपका अपना आप ही है। लेकिन नारायण धोबिया जल बिच मर्द पियासा, जल में ठाड़ पिए ना मूरख, अच्छा जल है खासा, आनंद सिंधु मध्य तो बाता, बिनु जाने तू मरस पियासा। नारायण आप, आपके पास क्या नहीं है जिसके लिए आप दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं, उत्कंठित होते हैं, वो कौन सी चीज है? आप अपने लिए ही उत्कंठित होते हैं, व्याकुल होते हैं, प्यासे होते हैं। आप शांति से देखिए, गौर से देखिए, आपको सब कुछ स्वयं प्राप्त है। ओम शांति शांति शांति। आई समझ है दृष्टि लुकाते आया।
रतनगढ़ में रहा हूँ, नहीं थे उससे पहले तो मैं 2-3 बरस रहा। भोजन तुम्हारा भगवान सिवाय और किसी की रोटी है।